हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेट की। तो देखिए, इंटरनेट तो आज के समय में हमारे ख्याल से हम सभी लोग यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट कि इंटरनेट क्या है, कैसे शुरू हुआ, स्टार्टिंग में इसका क्या व्यू था, वो सारी चीज़ें आज हम लोग जो है इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट विद हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपकी इंटरनेट से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, द इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड गवर्नमेंटल, एकेडमिक, कॉरपोरेट, पब्लिक एंड प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब क्या हुआ, देखिए कंप्यूटर नेटवर्क आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ऐसे ही इंटरनेट जो भी इंटरनेट क्या है, इंटरनेट भी एक तरह से ग्लोबल नेटवर्क है। मतलब ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क यानी ऐसा नेटवर्क जो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और जिसमें उस कंप्यूटर में कोई भी उस नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर दुनिया के किसी भी कोने से, वो दुनिया के किसी भी दूसरे कंप्यूटर से जो दूसरे कोने में है, उसमें सब में आपस में कनेक्टेड है। तो इंटरनेट को आप ये समझ सकते हैं कि दिस इज़ ए ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, पहली चीज़। और इसमें सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो भी हो गया, एकेडमिक भी हो गया, ठीक है, फिर कॉरपोरेट बिजनेस इंडस्ट्री जो है वो भी आपस में कनेक्टेड है कंप्यूटर्स के थ्रू, पब्लिक जो है वो भी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो भी आपस में कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। यानी इंटरनेट एक तरह से इतना बड़ा ग्लोबली कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर ये सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट है, चाहे वो गवर्नमेंट नेटवर्क हो, चाहे एकेडमिक हो, कॉरपोरेट हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कोई भी, सारे कंप्यूटर नेटवर्क आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। इट इज़ बेस्ड ऑन द नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। अब ये जो काम करते हैं, इसका जो बेसिक है वो क्या है कि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल देखिए हमने आपको कई बार अपने डिफरेंट लेक्चर्स में बताया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, प्रोटोकॉल हमने आपको बताया, प्रोटोकॉल्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, जो सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड है इंटरनेट के लिए उसके हिसाब से ये सब काम करते हैं और ये आपस में कनेक्टेड है, पहली चीज। अब बात ये आती है कि इन सबको, ये सब चीज़ें ध्यान कौन रखता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इनिशियली क्या जो था, इनिशियली जो एक नेटवर्क था, इट इज़ द सक्सेसर ऑफ द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क डेवलप्ड बाई डार्पा ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपना एक नेटवर्क बनाया था और उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे आर्पानेट, उसका नाम था आर्पानेट। यानी इसका फुल फॉर्म क्या था, इसका फुल फॉर्म था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो पहले यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये अपना एक नेटवर्क बनाया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क, अर्पानेट के नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी एफिशिएंसी, उसके इतना बढ़िया काम हो रहा था, उसको देख के फिर ये, इसके बाद ये आपका इंटरनेट पिक्चर में आया, मतलब इंटरनेट डेवलप किया गया। द इंटरनेट इज ऑल्सो द कम्युनिकेशंस बैकबोन अंडरलाइंग द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट क्या है, देखिए अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, WWW जिसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब, वेब माने क्या होता है, वेब माने होता है मकड़ी का जाला। ठीक है, जैसे मकड़ी जो जाला लगाती है, तो ऐसे ही WWW क्या है, ये आप ये समझ सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड वेब है। मतलब ऐसा कनेक्शन, ऐसा जाला, ऐसा नेटवर्क
जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसके कंप्यूटर ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी कोने में है, और वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आपस में वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसीलिए हम दूसरे लहजे से ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट इज लाइक ए बैकबोन। इंटरनेट क्या है? रीढ़ की हड्डी है। किसके लिए? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। ठीक, अब इसके हम हिस्ट्री की बात करते हैं। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इंटरनेट का। इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इंटरनेट कहाँ से शुरू हुआ? ठीक, तो इन्होंने ये बताया कि इन 1969 द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस, द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सैंता बारबरा एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ उटा वर कनेक्टेड एज द बिगिनिंग ऑफ द आरपा नेटवर्क यूजिंग 50 किलोबिट्स पर सेकेंड सर्किट्स। इनिशियली क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये जो तीन यूनिवर्सिटीज़ थी, तीन यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग जगह पर सिचुएटेड थी। कौन कौन सी थी? ये 1969 की बात है। 1969 में एक तो थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। इसमें अच्छा दूसरा जो था वो था स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया थी, ये तो था लॉस एंजलिस में, ठीक है, उस शहर में अमेरिका के। दूसरा जो था वो आपका था स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और तीसरा जो था वो था यूनिवर्सिटी ऑफ उटा, यूनिवर्सिटी ऑफ उटा। ये तीनों जो इंस्टीट्यूट्स थे, जो एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन थे, ये आपस में कनेक्टेड थे, ये आपस में कनेक्टेड थे। तो इनिशियली ये जो नेटवर्क था, इस नेटवर्क को और इनकी जो आपस ये इस नेटवर्क को क्या नाम दिया गया? आरपानेट, ठीक है। ये 1969 की बात है। और इन इनमें जो डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड थी, मतलब यहाँ से कोई फाइल इधर ट्रांसफ़र करनी है या इधर से इधर करनी है इधर से, तो जो इनिशियली जो इनकी डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड थी वो थी केवल 50 किलोबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से शुरुआत हुई इंटरनेट के डेवलप होने की, आरपानेट से। अब आज के समय में क्या होता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो एक तरह से समझ लीजिए कि बेसिक है, वो कोर है किसी भी मॉडर्न कम्युनिकेशन का, ठीक है। क्योंकि बगैर नेटवर्किंग के या बगैर कंप्यूटर नेटवर्क के कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपको डेटा एक जगह से दूसरी जगह, डेटा है, फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई फोटोग्राफ है, ऑडियो है, वीडियो है, कुछ भी अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और उस आवश्यकता को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, आपको कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक कि इंटरनेट कहाँ से शुरू हुआ। अब इसका जो यूज़ है इंटरनेट का, देखिए यूज़ तो सब जगह है इंटरनेट का। कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का क्या यूज़ है। तो देखिए अब वन बाय वन इसके 8-10 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेवल कर सकते हैं इंटरनेट के, ठीक है। मतलब आप यहाँ बैठे हैं, आप मान लीजिए से अमेरिका, अमेरिका में की अगर कोई प्लेस आपको विजिट करनी है, आप यहाँ बैठे हैं, आपको लंदन, आपको फ्रांस का एफिल टावर देखना है, पेरिस का, आप यहाँ बैठे हैं, मतलब आपको कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी प्लेस पे विजिट करना है तो आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। पहला एडवांटेज या पहला यूज़। दूसरा क्या है? अगर आपको कम्युनिकेट करना है लोगों से तो आप एक ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉग आज के समय में ब्लॉग सब लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जानते हैं सब लोग। ए ब्लॉग इज यूज्ड एज ए कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विद पीपुल। मतलब कि आप मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, आपका कोई फ्रेंड लंदन में है, दूसरा अमेरिका में है, तीसरा किसी और सिटी में है,
तो आप सारे लोग आपस में ब्लॉक के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये हो गया। तीसरा क्या हो गया, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं इंटरनेट पे। ठीक। चौथा एडवांटेज क्या हो गया, आप सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, ठीक है। मतलब सोशल नेटवर्किंग मतलब कि आप नेटवर्क के ही थ्रू ही अपने सेम इंटरेस्ट वाले लोगों की एक कम्युनिटी बना सकते हैं। तो आपका एक तरह से एक इंटरनेट पे ही आपका अपनी एक कम्युनिटी, एक समाज बन सकता है। ठीक। तो सोशल नेटवर्किंग हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका यूज़ है इंटरनेट का, वो ये है कि विद द इंटरनेट यू कैन अर्न टू डू एनीथिंग और परफेक्ट ए स्किल यू ऑलरेडी हैव। मतलब इंटरनेट पे के थ्रू आप के पास जो योग्यता है, आपके पास जो स्किल है, उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने, हमने कहा कि आप एक वेबसाइट डेवलपर हैं, तो आप इंटरनेट के थ्रू ही आप अपनी स्किल को एक्सप्लोर करेंगे, डालेंगे, और उधर से आपको ऑर्डर मिलेंगे जिसको वेबसाइट डेवलप करानी होगी। तो यानी कि यू कैन अर्न बाई योर स्किल, और एज वेल एज अगर आपको स्किल और एडवांस करनी है और कुछ सीखना है और उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करनी है, तो वो काम भी आप इंटरनेट पे ही कर सकते हैं। आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, ट्रेनर मिल जाएंगे, आपके इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, उनसे आप अपना ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक। ये एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट जो यूज़ है क्या है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो आपको बैठे बैठे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट टाइम, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ईजली एट योर ओन रेजिडेंस और योर ओन होम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट है कि ईमेल, ईमेल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, इसके थ्रू आप किसी को भी आप टच में रह सकते हैं। ठीक है। और ईमेल आप कहीं भी, आप ट्रेवलिंग में हैं, आप कहीं आप उसको अपना पढ़ सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो यूज़ है वो क्या है कि रीडिंग इज नाउ जस्ट अ क्लिक। अगर आपको कोई भी चीज़ रीडिंग करनी है, आपको अच्छी बुक्स चाहिए, वेद पुराण चाहिए, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक्स चाहिए, आपको मूवी एंड से कॉमेडीज बुक, जो वॉट एवर यू वॉन्ट टू रीड, ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट यूज इसका क्या है कि टेक्नोलॉजी हैज़ ड्रामेटिकली चेंज द इंटरनेट एंड लाइब्रेरीज। मैनी लाइब्रेरी वेबसाइट्स हैव प्लेंटी टू ऑफर फॉर इंफॉर्मेशन दैट यू नीड। ठीक है। तो अब जैसे जिसको हम लोग नॉर्मल रैजे हम बोलते हैं डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है। मतलब लाइब्रेरी विच हैज़ इंटरनेट फैसिलिटी। तो अगर मान लीजिए आपके पास अपना कंप्यूटर नहीं है, अपना इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल आप डिजिटल लाइब्रेरी की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप वहाँ पे जाके आप इंटरनेट से जुड़ के जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, डेटा रिक्वायरमेंट है, आप पढ़ना चाहते हैं, आप गेम खेलना चाहते हैं, आप मूवी देखना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन विद द हेल्प ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट। और नेक्स्ट यूज क्या है इसका कि द इंटरनेट हैज टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब इंटरनेट पे क्या है कि इंफॉर्मेशन की भरमार है, बहुतायत है। इंटरनेट हैज टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जिस भी फील्ड में आप चाहते हैं, उस फील्ड की आपको इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप किसी भी सर्च उसमें डालेंगे, गूगल गूगल सर्च इंजन में आपने टाइप किया उससे रिलेटेड टॉपिक, उससे रिलेटेड वर्ड्स, जो वॉट एवर यू वॉन्ट, ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो आज के समय में इंटरनेट से हम क्या काम कर सकते हैं, ये डिस्कस करना ही अपने आप में एक जो है बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट की हेल्प से आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू ईच एंड एवरी थिंग, वेदर इट इज रीडिंग, वेदर इट इज राइटिंग, वेदर इट इज योर स्किल डेवलपमेंट, वेदर इट इज योर बिजनेस, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन गेट इट डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एट योर ओन प्लेस। तो ये यूज है इंटरनेट का। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंटरनेट से रिलेटेड जो कुछ नॉर्मल टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे अभी हमने यूज किया WWW, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है,
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, वेब सर्वर क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेबसाइट, वेब पेज, यूआरएल, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये बेसिक नॉलेज इंटरनेट की अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए चैनल पे उसकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।